नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आने वाले कुछ महीनों में वहां पर विधानसभा उपचुनाव है, 13 सीटों पर है और उसको लेकर समीकरण बदलने लगा। आप जान रहे हैं कैसे लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बसपा की करारी हार के बाद कैसे आपको माना जा रहा था कि बड़ा फैसला आप लेंगे, आपको अखिलेश यादव, क्योंकि उसमें भी फायदा ज़्यादातर बसपा को हुआ। बसपा ने वो लोकसभा के बाद चुनाव के बाद परिणाम के बाद एक तरीके से वो उसने उन्होंने वो जो गठबंधन बना था उसे तोड़ लिया, अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया, उनको ज़्यादा फायदा हुआ। पिछले चुनाव लोकसभा में जिनको एक सीट भी नहीं थी अब उनके 10 सीट आ गई और वहीं आपको समाजवादी पार्टी को भारी लॉस आपको देखना पड़ा। अब बता रहे नया समीकरण बन रहा है, आपको सुहेल देव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आपको ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के साथ फिलहाल भी गठबंधन में है लेकिन किस प्रकार से वो लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं, उसके बावजूद वो पार्टी में रहे लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उनको भी वहां से बर्खास्त कर दिया गया उनके मंत्री पद से और अब आज उनकी मुलाकात हुई है आपको ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की। तो एक नया समीकरण बन रहा है और माना जा रहा है कि 13 जो आपको उपचुनाव की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर लगभग तैयार हो गए हैं। 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, भाजपा अलग लड़ेगी। तो एक तरीके से अब पुराने ढर्रे में समाजवादी पार्टी लौट आई है लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी आपको अखिलेश यादव ने ले लिया है। आप जान रहे हैं जैसे ही करारी हार हुई थी वैसे ही जितने उनके प्रवक्ता थे उनको उन्होंने उनको पद से हटा दिया और कहा कि सभी जो जितने नेता हैं प्रवक्ता है, मीडिया से दूर रहेंगे और अभी भी वो भंग चल रहा है। अभी उन्होंने इससे भी बड़ा फैसला ले लिया, जितने भी प्रदेश की इकाइयां थी, छात्र सभा था, महिला संगठन था, जिला में संगठन था, उसको भंग कर दिया है, उनके अध्यक्ष को, उनके कार्यकारिणी को भंग कर दिया, उनको सारे को पद से मुक्त कर दिया। एक तरीके से अखिलेश यादव फिर से पार्टी खड़ा करने में जुट गए। आपको बता दें अब चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है लेकिन इस वक्त में अचानक ऐसा फैसला लेना, प्रदेश लेवल पर फैसला लेना, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के जो आपको अध्यक्ष हैं उनके पद को छोड़ दिया गया है, बाकी उनके नीचे आपको जिला है, आपको महानगर है, महिला संगठन है, छात्र सभा है, उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया। अब ये मामला होगा अब नए तरीके से जो नया समीकरण बन रहा है, आपको जो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा उभार हुआ है आपको 2017 चुनाव के बाद उसको कैसे काटा जाए, इसके लिए अखिलेश यादव लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें पुरानी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी को खड़ा किया, वो चेहरा थे इस पार्टी के और इस पार्टी को मजबूत बनाया अंदर से शिवपाल सिंह यादव ने। 2017 में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को पार्टी से बाहर किया, अलग किया, अपने पिताजी को साइडलाइन किया, वो कहीं ना कहीं वो अभी भी असर करता है और वो कहीं ना कहीं जो पार्टी कमज़ोर हुई है वो आपको इसी इन्हीं सबसे बड़े कारण से किया। जब मुलायम सिंह यादव इतने बड़े जो जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जो शिवपाल सिंह यादव जो शुरू से पार्टी में रहे, पार्टी को अंदर से मजबूती दी, जब वो दोनों निकल गए तो पार्टी कौन चलाए, क्योंकि अखिलेश यादव पुत्र थे, उनको पता नहीं था कि जो जो छोटे नेता उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनका जो वोट बैंक कैसे घिसकने से बचाया जाए, इसके मास्टरमाइंड आपको शिवपाल सिंह यादव थे। तो अब देखना होगा एक नए सिरे से पार्टी खड़ी करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है विकास में ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हाईवेज बनाई, सड़कें बनाई, उसके लिए उनका नाम होता है लेकिन फिर भी वोट में तब्दील नहीं हुआ, विधानसभा हारे, लोकसभा हारे। लोकसभा में एक तरीके से जो उनके पिताजी आपको मुलायम सिंह यादव भी काफ़ी खफा हो गए थे, कैसे बसपा को आपने उन्होंने इतनी ज़्यादा सीटें दे दी लड़ने को लेकर, वो काफ़ी खफा थे गठबंधन नहीं चलने वाला है, फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और माना जा रहा था सब उनका जो आकलन है वो सही निकलेगा लेकिन फिर भी बड़ी हार हुई। तो अब देखना होगा जो ये फैसला लिया है सभी प्रदेश इकाइयों को भंग करने का, इसका क्या आपको फल मिलता है, क्योंकि लगातार 3-4 सालों से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। 2017 में कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन, 19 में कैसे मायावती को साथ लेना और अब प्रदेश इकाई को भंग कर देना, कोई भी फैसला अभी तक अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं गया है लेकिन वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता, हमें बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा 13 जो विधानसभा सीटें जिनका उपचुनाव है उनके जो परिणाम आते हैं वो किन की तरफ आते हैं और भविष्य 2017 में हुआ है, 2022 में चुनाव है, 2.5 साल से आपको लंबा वक्त बचा है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 2022 की तैयारी में लग जाएंगे। तो देखना होगा कि कैसा आपको इसका रिजल्ट होता है, अखिलेश यादव के लिए कितना फ्रूटफुल होता है, इस सब वक्त की बात है, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लगातार राजनीति की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर लें।